हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस हैशटैग वेजिटेबल सीरीज का आज दूसरा वीक है, दूसरा वीक का पहला दिन। तो मैंने जैसे मैंने बोला था कि आपको हर एक वीक में हम हर एक वेजिटेबल के साथ कुछ रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, तो इस वीक हम जो वेजिटेबल के प्रिपरेशन आपको दिखाएंगे वो है भिंडी। तो भिंडी बेसिकली हम में से किसी को भी उतना पसंद नहीं है, तो हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होगा और टेस्टी सा होगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो इस पहला दिन में हम जो भिंडी का रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी वो है सोरसे भिंडी, सोरसे यानी मस्टर्ड। तो मस्टर्ड के पेस्ट के साथ हम एक भिंडी का ग्रेवी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए हमने यहाँ पे हमारा जो भिंडी है उसको हम अच्छे से धो लिया है, और उसके बाद इसका जो हेड और टेल है इसको हम निकाल लेंगे, और फिर हम भिंडी को दो हिस्सों में बीच में से काट लेंगे। जो बड़े साइज़ के भिंडी थे उसको हम बीच में से काट लिया है, और जो छोटे साइज़ के भिंडी थे उसको हम जस्ट हेड और टेल अलग करके रख दिए थे। फिर हम यहाँ पर दो ऑनियन थे उसको हम स्लाइस कर लिया है अच्छे से। तो इसके बाद टोमेटो को स्लाइस कर लेंगे, मोटे मोटे स्लाइस में काट लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे दो ग्रीन चिली लिए थे, और ग्रीन चिली को भी हम ऐसे चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो स्लिटेड भी रख सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये जो सारा वेजिटेबल है ये हमें चाहिए हमारे प्रिपरेशन के लिए, बस इतना ही। फिर इसके बाद हम यहाँ पे एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड। हम यहाँ पे दो तरह के मस्टर्ड सीड ही यूज़ किए हैं, वाइट और ब्लैक। उसके बाद हम यहाँ इसमें 2 टेबलस्पून खसखस यानी पॉपी सीड भी ऐड करेंगे, और इसको हम ड्राई ऐसे ब्लेंडर में घुमा लेंगे ताकि इसके एक फाइन सा डस्ट बन जाए। तो देखिए एक फाइन सा डस्ट बन गया है। तो इसके बाद हम यहाँ पे 2 ग्रीन चिली ऐड करेंगे, और उसको भी एक बार पानी के बिना ऐसे ही ब्लेंडर में हम एक बार घुमा लेंगे। तो देखिए हमारा जो सारा मसाला है वो अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ब्लेंडर को घुमा लेंगे ताकि एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, फाइन सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। तो देखिए हमारा जो पेस्ट है एकदम तैयार है, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। इसके बाद हम एक पैन में ऑयल लेंगे, और ऑयल गर्म होने के बाद हमारा जो भिंडी था उसको हम पैन में डाल के इसको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा हल्दी के साथ। यहाँ पे हमने कोई नमक नहीं ऐड किया है, जस्ट थोड़ा सा पिंच ऑफ हल्दी के साथ हमने भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो भिंडी को फ्राई करने के बाद हमने यहाँ पे एक बोल में इसको निकाल के अलग से रख देंगे। दोस्तों हमें भिंडी को ओवर फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा फ्राई करना है। ओवर फ्राई करने से हमारा जो भिंडी है वो स्टिफ बन सकता है, इसके लिए हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। उसके बाद उसी पैन में हम फिर से ऑयल लेंगे, और तेल गर्म होने के बाद हम यहाँ पे सूखे जो लाल मिर्च है उसको हम डाल देंगे, खड़े लाल मिर्च। और उसके बाद हमारा जो स्लाइस्ड ऑनियन थे उसको हम तेल में डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ऑनियन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये ऐसे ट्रांसलूसेंट सा या पिंकिश सा ना हो जाए। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा जो स्लाइस टमाटर थे उसको हम डाल देंगे, और टमाटर को हम थोड़े से चीनी और नमक के साथ मीडियम फ्लेम में थोड़े देर के लिए भून लेंगे, जब तक ये सॉफ्ट सा ना हो जाए और हमारा जो ग्रेवी है वो थिक सा ना बन जाए। इसके बाद थोड़े से हल्दी, लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डाल देंगे। फिर हमारा जो चॉप ग्रीन चिली थे उसको हमने इसमें डाल दिया,
और इसको अच्छे से स्टर कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे पानी ऐड किया है, तो पानी ऐड करने के बाद हम यहाँ पे पानी में उबल आने तक वेट करेंगे। और जब पानी में उबल आ जाए, इसमें हम जो हमारा जो फ्राइड भिंडी थे उसको हम डाल देंगे। और फिर भिंडी को हम ढककर हाई फ्लेम में 3-4 मिनट के तक हम पकाएंगे। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है दोस्तों कि आप भिंडी को हम ओवर कुक नहीं करेंगे, ऐसे ही बहुत सॉफ्ट है, तो इसको ओवर कुक करने से क्या होगा कि हमारा भिंडी जो है वो गल सकता है और ग्रेवी जो है वो स्लाइमी सा बन सकता है। इसके लिए आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो हमारा ग्रेवी जो पानी सूख जाए, थोड़ा सा ड्राई हो जाए, इसी स्टेज में हम क्या करेंगे, हम हमारा जो पेस्ट था उसका हाफ पोर्शन हमने लिया है और उसको पानी से हम थोड़ा सा घोल लेंगे। फिर पानी से इसको घोलने के बाद हम एक छन्नी के यानी कि स्ट्रेनर की मदद से हम इसका जो पानी है उसको हम छान के डाल देंगे और इसका जो एक्सट्रैक्ट है यानी कि सरसों का जो छिलका है उसको हम निकाल लेंगे, उसको हम ग्रेवी में नहीं डालेंगे कि इससे क्या होगा, हमारा जो ग्रेवी है वो एक स्मूथ सा टेक्स्चर सा बन जाएगा। फिर हम थोड़े से इसको चला लेंगे और फिर ढककर हम हाई फ्लेम में 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हमारा जो ग्रेवी का जो पानी है वो सूख जाए और हमारा जो ग्रेवी है वो एक थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो देखिए हमारा ग्रेवी एकदम तैयार है, थोड़े से थिक है, थोड़े से क्विडिशा है, तो हमें ऐसे ही चाहिए। तो इसको हम अब एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और इसको सर्व कर देंगे। ये रोटी पराठा या स्टीम राइस किसी के साथ भी ये बहुत अच्छा जाता है, तो आप एक बार ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you. Thanks for watching.